अब सनातन पर विवादास्पद बयानों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। उदयनिधि स्टालिन ने विवादास्पद बयान दिया था और अब डीएमके के सांसद अंदिमुत्तु राजा यानी ए राजा का भी बयान सामने आया है। सनातन पर ए राजा ने भी विवादास्पद बयान दिया है। ए राजा ने सनातन की तुलना एचआईवी से कर डाली है। ए राजा ने सनातन की तुलना कुष्ठ रोग से कर डाली है। अब वहीं बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने सनातन धर्म पर सवाल खड़ा करने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने उदयनिधि स्टालिन के बयान का समर्थन करने वालों से भी सवाल पूछे, सुनिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे तो सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया की तरह समाप्त करने वाले हैं। मुगल और ब्रिटिश हुकूमत तो समाप्त कर नहीं सकी, ये लोग क्या करेंगे। लेकिन मैं सबसे पीड़ा और आश्चर्य है कि कांग्रेस के नेता भी उसी स्वर में बात करते हैं। हमारे खड़गे साहब के पुत्र जो हैं वो सवाल उठाते हैं और एक गृह मंत्री कर्नाटका के हैं परमेश्वर साहब, वो कह रहे हैं हिंदू धर्म कहाँ से आया। तो उनसे मेरा सवाल है, परमेश्वर जी आपका नाम परमेश्वर किसने दिया। सनातन पर जारी सियासी महाभारत के बीच एक के बाद एक विवादास्पद बयान सामने आ रहे हैं। इसी बीच आरजेडी के नेता जगदानंद सिंह का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि देश को फिर से गुलाम बनाने की साजिश रची जा रही है। पूछो लोगों से कि भारत गुलाम किसके समय में हुआ, किनके समय में भारत गुलाम हुआ? क्या गरीबों गरीबों को टीका लगा के घूमने वाले ने भारत को गुलाम बनवाया था और फिर कैसे भारत गुलाम हो जाता है? अब राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी कहा है कि सनातन धर्म का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है और इसे कोई खत्म नहीं कर सकता। सनातन धर्म को मिटाने वाले मिट जाएंगे। अकबर भी, औरंगजेब भी, गजनवी भी, अलाउद्दीन खिलजी, ऐसे कई आए और चले गए, लेकिन यहाँ के लोगों ने, यहाँ की जनता ने, यहाँ के वीरों और शूरवीरों ने सनातन धर्म को कभी खत्म नहीं होने दिया और यही हमारा आधार है। आज सनातन धर्म तो पूरी दुनिया में डंका बजा रहा है, आप क्यों सनातन के पीछे पड़े हो? सनातन को कोई न तो खत्म कर पाया है न वो जीवन में कभी कर पाएगा। अब वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन के बयान पर समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने पलटवार किया। उन्होंने उदयनिधि स्टालिन को किसी भी धर्म के खिलाफ टिप्पणी नहीं करने की नसीहत दी है।